बॉलीवुड में सेल्फ मेड एक्टर्स बहुत कम है। कार्तिक आर्यन में से एक अनोखे ऐसे एक्टर, एक और एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन मैं ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो भी चीजें हुई बहुत गलत हुई। इसलिए मैं सिर्फ बात करूँ कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक आर्यन एक प्रेशर में जरूर रहते होंगे एज एन एक्टर, क्योंकि कई बार उनके मतलब कैरियर में उतार चढ़ाव हुआ है, और पिछले बार जो उतार आया था किसी बड़े प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया था दोस्त करके कुछ ऐसा नाम था, अभी नहीं लेना चाहूंगा नाम, और उस प्रोड्यूसर को आज कुछ दिन पहले अपना खुद प्रोडक्शन हाउस बेचना पड़ा किसी और को। तो मैं बात कर रहा हूँ उस एक्टर की, इसका नाम है कार्तिक आर्यन। एक बड़ी फिल्म जरूर दे दी है उन्होंने, 3 दिन में 100 करोड़ की कमाई ट्रेड ने भी कन्फर्म कर दिया है, 110 करोड़ के ऊपर प्रोड्यूसर्स ने भी कन्फर्म कर दिया है। फिल्म का 5th डे है, क्या पब्लिक इस फिल्म को देख रही है? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लक जो है वो कार्तिक आर्यन के फेवर में ही, आप मत भूलिएगा। और जब लक आपके फेवर में होता है तो लंगड़ा घोड़ा भी रेस जीत लेता है, याद रखना बात। तो वही किस्मत आपके साथ में है कार्तिक भाई। और मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी डे 5th की बात करो तो 18% आई है, 18%। कल की ऑक्यूपेंसी 26% तक थी, लेकिन आज 18% है। मॉर्निंग शोज में ड्रॉप देखना इनएविटेबल, मतलब एविटेबल था, मुझे पता था ड्रॉप होगा क्योंकि आप सभी को पता है वर्किंग डे है। आफ्टरनून शो ऑक्यूपेंसी 30% है, इवनिंग शो ऑक्यूपेंसी 42% है, और नाइट शो ऑक्यूपेंसी किसी भी हाल में 50% के आसपास जरूर जाएगी, उससे कम नहीं होने वाली। भूल विद्यार्थी को अच्छा खासा हाइप मिला है। गेटिंग लेक्सी की बात करें तो रात के शाम से 6:30 बजे के बाद से सभी शोज फुल है, और यही सिंगम अगेन का भी हाल है जो अपने आप में काफी चीजें क्लियर करता है। तो 34% तक की इसकी ऑक्यूपेंसी आज नजर आ रही है, जो कल 43% तक की थी, यानी कि ड्रॉप इसको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और ये भी हो सकता है एक आउटसाइड चांस कि आज इसका कलेक्शंस सिंघम अगेन से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए या सिमिलर आने वाला है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं आंकड़ों की, आंकड़ों के हिसाब से फिल्म कितना कमाने वाली है। मुझे खुशी है कि प्रोड्यूसर ने बढ़ा चढ़ा के आंकड़े मंडे के नहीं बताए, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं प्रोड्यूसर पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी ब्लेम कर रहा हूं कि लोग आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए, बट स्टिल मुझे खुशी है कि 4th दिन का जो आंकड़ा है वो अच्छा आया है, जो मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिलीवेबल लग रहा है। 5 दिन ये फिल्म किसी भी हाल में 14 से 14.50 करोड़ कमाते हुए नजर आ रही है, ऐसे में कलेक्शन इस फिल्म का हो जाएगा 142 करोड़ से 142 करोड़ 50 लाख, यानी कि अगेन मैं रिपीट करता हूं 14 to 14.50 करोड़ आज कलेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है, और ऐसे में फिल्म पर टोटल हो जाएगा 142 से 142.50 करोड़। ये भी फिल्म कम से कम 20 से 25% तक का ड्रॉप देखने को मिलेगा इस फिल्म को भी, इसके बावजूद ये फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही, फिल्म 200 करोड़ भी कमाएगी, फिल्म उसके आगे भी जाएगी। और वाकई में ये फिल्म जो है भूल भुलैया 3 एक बड़ा क्लैश कर रही है, दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का जो क्लैश था वैसे ही कुछ इसका भी क्लैश हो रहा है, दोनों फिल्में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अच्छा लग रहा है, दोनों फिल्में चल रही है, 19-20 नहीं पड़ रही है, मजा आ रहा है दोनों फिल्मों का क्लैश देखकर। चलिए कल के टाइम, बाय बाय।